नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। कस्टर्ड केक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप 2 टेबल स्पून मिल्क, आधा कप रिफाइंड ऑयल, आधा कप चीनी, 1 कप मैदा, आधा कप कस्टर्ड पाउडर और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लीजिए, इसमें डालिए चीनी और इसे पीस लीजिए। चीनी हमारी पिस चुकी है, इसमें डालिए रिफाइंड ऑयल, इसे भी पीस लीजिए। इसे अच्छे से चीनी के साथ मिक्स कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें स्मेल ना हो। रिफाइंड ऑयल और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई होगी, ये देखिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप दूध, इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। इसे हम कर लेंगे चेक, ये देखिए बहुत ही फ्रॉथी, एकदम टेक्सचर एकदम देखिए क्रीमी क्रीमी। इसे अब हम कर देंगे साइड में। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट को ले लेते हैं, मैदा, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर। अब हम इसे छान लेंगे। छानने से ये जो भी हमारे लम्स होंगे या कोई भी गुठलियाँ वगैरह होंगी सब छन जाएंगी, सब हो जाएगा एकदम सेट और ये आपस में मिल भी जाएगा। इसे हम एक बार और छान लेंगे जिससे आपस में अच्छे से मिल जाए। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे अपना मेल्टेड इंग्रेडिएंट, चीनी, रिफाइंड ऑयल और दूध। अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे हम। इसे हम करते रहेंगे मिक्स। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके 3-4 स्टेप में मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए थोड़ा हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। इसे हम कर लेंगे मिक्स। एक कोई भी कटोरा लीजिए, कोई केक टिन लीजिए, इसमें लगा लीजिए घी और अपना केक बैटर को कटोरे में कर लीजिए।
ये हमने एक केक टिन में कर लिया है, इसे हम करेंगे 2-3 बार टैप, जिससे एयर बबल्स टाइट हो जाएंगे। इधर हमने कढ़ाई पैन में नमक डाल के प्री हीट होने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें रखेंगे स्टैंड, इसके ऊपर रखेंगे हम अपना केक और इसे हम ढककर चेक करेंगे आधा घंटे बाद। 30 मिनट बाद हमने चेक किया था, तब ये अच्छे से बेक नहीं हुआ था, थोड़ा कच्चा था। अब 50 मिनट बाद हम चेक करते हैं, ये देखिए कितना फ्लफी एंड स्पंजी और कितना फूल गया है। अब हम इसे चेक करेंगे, ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम केक के कॉर्नर्स को निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसे काट लेंगे, देखिए केक का टेक्सचर, वॉट अ फ्लफी एंड डिलीशियस केक। वनीला केक बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।